दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं पुराने लैपटॉप को अपग्रेड, और समझने वाले भी हैं कि हम लोग किसी भी लैपटॉप के अंदर क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमको मिल जाती है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे और हम लोग अपग्रेड करके चेक भी करेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या कर पाएंगे, स्पीड बढ़ रही है या नहीं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। कोई भी पुराने से पुराना लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है, स्पीड नहीं मिल रही है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक्चुअली डेट सा पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से ये लैपटॉप हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअली पहला लैपटॉप मेरा है जिस पर मैंने 0 से लेकर के 5 लाख तक साइटेक विजन पर सब्सक्राइबर जब तक रहे तब तक मैंने इसी लैपटॉप पर काम किया। और इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जिस वक्त ये लिया था हमने, उस वक्त जो है एक्चुअली i3 का 4th जनरेशन ये जो है लैपटॉप है, इसके अंदर 2GB रैम के साथ में आया था और 2GB का हमने और बढ़ा दिया था, तो 4GB 2GB मिल करके 4GB हो गए थे। और उस पर जो है हमने इस पर काम किया था और 5 लाख तक सब्सक्राइबर को हमने गेन किया था। और तब तक हमने इस पर एडिटिंग वगैरह सब कुछ किया, फिल्मोरा में यूज करता था, लेकिन बाद में जब काम बढ़ा, थोड़ा कैमरा हाई एंड हुआ, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा फेल मारने लगा और धीरे धीरे और भी काम में बहुत ही स्लो होने लग गया। तो इसको अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो गया ताकि इसको अपग्रेड करके थोड़ा मोड़े काम पर हम इसको ले सकें। तो i3 4th जनरेशन है, उतना भी डाउन वर्जन अभी भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वर्क सारे ही करेगा, बस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। उसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा, अगर हम बात करें अपग्रेडेशन के लिए कि हम किसी भी जो पुराना लैपटॉप है उसके अंदर हम अपग्रेड क्या क्या कर सकते हैं, तो पुराने से पुराने लैपटॉप के अंदर अगर अपग्रेड करना है तो प्रोसेसर, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या प्रोसेसर हम अपग्रेड कर लेंगे, तो प्रोसेसर आप किसी भी लैपटॉप के अंदर अपग्रेड नहीं कर सकते, वो कंपनी से ही सोल्डर्ड आता है। बाद में कराने की भी कोशिश करते हैं अगर मार्केट से, तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, तो प्रोसेसर अपग्रेड करने की कभी भी ना सोचें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप जो है अगर पुराना है तो उसके अंदर NVMe का सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर i3 3rd जनरेशन है, 2nd जनरेशन है, पुराना ओल्ड जनरेशन का कोई भी लैपटॉप है, तो उसके अंदर आप जो है साटा SSD आप लगा पाएंगे और हार्ड ड्राइव उसके अंदर लगी हुई मिलती है। हार्ड ड्राइव को निकाल करके, एक्चुअली पहले CD ड्राइव भी मिला करता था, सारे लैपटॉप में CD ड्राइव होगा, तो आप CD ड्राइव को निकाल करके आप KD यूज कर लीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये KD होता है, इसके अंदर आप हार्ड ड्राइव या फिर साटा SSD लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जो लैपटॉप में हार्ड ड्राइव मिली हुई है वो हार्ड ड्राइव निकाल करके आप KD के अंदर लगा दीजिए, और जहां पर हार्ड ड्राइव लगी हुई थी वहां पर जो है आप कोई भी साटा SSD आप लगा दीजिए। जैसे मेरे पास HP का पड़ा हुआ है 128GB का, वो हम इसके अंदर लगाएंगे और विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। साथ में ही इसका जो है आप स्टोरेज इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, 1TB तक, नॉर्मली 512GB तक आप चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे 1TB तक भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा, तो 512GB तक साटा जो है आप पुराने से पुराने लैपटॉप के अंदर लगा करके यूज कर सकते हैं। बजट कम है तो 256GB या फिर 128GB आप जो है लगा सकते हैं, उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि रैम अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए कम से कम 8GB होना बेहद ज़रूरी है। तो 8GB का मैंने DDR3, एक्चुअली पुराना है हमारा, तो DDR3 का रैम लगा हुआ है, तो उसके लिए मैंने DDR3 रैम जो है मैंने मंगाया 8GB का सिंगल स्टिक, ताकि इसको यूज़ करके हम इसको, इसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकें, और इसके परफॉर्मेंस से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये एंटी स्पोर्ट का हमने मंगाया हुआ है, DDR3 का रैम है, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, और ये 2-2GB मिलकर के 4GB जो यूज़ हो रहा था इसको हम निकाल करके बाहर कर दिए हैं, और इसके अंदर ये SSD हम लोग डायरेक्ट जहां हार्ड ड्राइव लगी हुई थी वहां पर यूज़ करने वाले हैं, ये रैम हम बदलने वाले हैं, और स्टडी में जो इसका हार्ड ड्राइव है उसको हम लोग इसके अंदर लगा करके जहां पर CD ड्राइव लगी हुई थी वहां पर इजीली हम इसको कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे, और बाहर से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा, तो डबल स्टोरेज इसके अंदर हो जाएगा। साथ में ही इसका कीबोर्ड खराब था, पुराने लैपटॉप के कीबोर्ड खराब हो जाते हैं अगर, तो आप उसको इजीली चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा HP का मॉडल है, जो मॉडल होगा मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको, और इसका कीबोर्ड खराब था, शॉर्ट था। तो कई बार क्या होता है, जो पुराने कीबोर्ड होते हैं, जो पुराने लैपटॉप होते हैं, उनका कीबोर्ड शॉर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको लोग चला रहे होते हैं। तो अगर कीबोर्ड शॉर्ट हो गया है तो आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, ऑपरेट हो जाएगा, चलने लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंस लैपटॉप आपका नहीं देगा, हैंग करेगा, तरह तरह की प्रॉब्लम करेगा, कोई कीज परमानेंट दबने लग जाएगी, ये सारी कहानियाँ इस कीबोर्ड के साथ में होती हैं। इसलिए हमने कीबोर्ड भी इसका मंगाया, और कीबोर्ड महंगा भी नहीं पड़ता है, मात्र 700 रुपये का एक कीबोर्ड पड़ा,
देखते हैं क्या इसमें मैच करेगा भी या नहीं। तो मॉडल नंबर दे करके ही मैंने सेलेक्ट करके इसको मंगाया है अमेजोन से। लगभग इजीली सभी लैपटॉप के कीबोर्ड जो है मिल जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है आपको। इस तरीके से बिल्कुल भी सेम कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड को भी हम लोग लगाएंगे और इसको अपग्रेड करेंगे। इसके लिए लैपटॉप को मैं एक्चुअली खोल चुका हूँ। यहां से कीबोर्ड का कनेक्टर इजिली निकल जाता है और उसके बाद जो है ये निकलने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है इसकी। इस हार्ड ड्राइव को हम यहां से निकालने के लिए हमने ये एक्चुअली यूएसबी पोर्ट यहां पे लगा हुआ था, इसको हमने निकाल रखा है। और यहां से इसको हटाने के बाद ये दो स्क्रू होते हैं, इसको ओपन करने के बाद ये एक्चुअली इसको इसी में एग्जैक्टली देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अलग अलग लैपटॉप का खुलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप नहीं खोल पाते हैं तो हर मॉडल का वीडियो आपको ओपन के लिए YouTube पे मिल जाएगा, अपने मॉडल के हिसाब से देखें और उसको ओपन कर लें। तो इस तरीके से जो है हम ये हार्ड ड्राइव निकाल लिए और अब जो है ये मेन लगी हुई थी हार्ड ड्राइव जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसके जगह पर जो है हम SSD लगाएंगे जो हमारे पास है HP का 128 GB का। इस तरीके से और हमने यहाँ पर जो है इसको बहुत ही इजीली जैसे हार्ड ड्राइव लगी हुई थी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लग जाती है। और इस कैडी के अंदर कैडिया क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसी प्रकार का इसका नाम है, करेक्ट कर देंगे स्क्रीन पर जो भी एग्जैक्टली नाम होगा इसका। इस तरीके से ये यहाँ पर लग गया और इसके स्क्रूज जो होते हैं बैक साइड में यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत ही ईजिली जो है लग जाते हैं। इस तरीके से बिल्कुल इजीली जो पुरानी हार्ड ड्राइव थी ये कैडी के अंदर लग गई है और SSD जो है हमारी डायरेक्ट जो है लैपटॉप के अंदर लग गई है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी आप लैपटॉप को जो है ओपन करवाते हैं तो ये फ़ैन जो कूलिंग फ़ैन है इसका वेंटिलेशन को जो है आप ज़रूर क्लीन करा लें ताकि अगर इसका वेंटिलेशन सही से कई बार नहीं होता है तो लैपटॉप हीट होता है और परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं देता है। तो ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप इसको क्लीन कराएँ। तो इस तरीके से एक्चुअली इसकी जो वेंटिलेशन है वो बिल्कुल भरी पड़ी है और इसको जो है बेहतर होगा कि आप इसके अंदर प्रेशर मार दें हवा का ताकि ये प्रॉपर सही हो जाए। और ये जो फ़ैन है इसको भी क्लीन करना बेहद ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद, ताकि बिल्कुल फ्रेश होकर के हमारा लैपटॉप वर्क करे, कोई दिक्कत ना रह जाए। ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो भी जो है लैपटॉप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को क्लीन कराने के बाद ही जो है आप इसको यूज़ करें। इस तरीके से एयर मारने के बाद हम दोबारा मिलते हैं। A few moments later, क्लीन होकर के आ गया है बिल्कुल भी और इसको अब हम लगा देते हैं। बहुत ईजी है ये सब सारी चीज़ें करना, आप बिल्कुल भी आराम से खुद भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल होने की ज़रूरत है। बस हमारा काम ख़त्म हो गया है यहाँ से और इसको जो है हम लगा देते हैं। बाकी कैडी को जो है बिल्कुल भी आराम से वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने ये CD राइटर को लगाते थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है आप, और यहाँ पर ये दोनों लगे हुए थे 2-2 GB का और अब हम जो है यहाँ पर 8 GB का लगाएंगे। दोस्तों फाइनली जो है ये अपग्रेड हो गया है, 8 GB रैम हो गया, 128 GB हमने SSD साटा का डाल दिया है और उसके बाद जो है हम लोग साटा SSD पर इसका विंडोज 10 जो है इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, SSD का भी परफॉर्मेंस देखेंगे और देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। आइए पहले विंडोज़ को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए और बहुत ही सिंपल है, ऑन कीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो कि बूट डिवाइस ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है, F9 बता रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जो है HP SSD ले लिया है, नीचे जो सैंडिस्क के अंदर जो है हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये डायरेक्ट जो है अब चला जाएगा बूट होने के लिए।
और ये भी ये लंबा समय लेने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद लास्ट में हम टेस्ट करके इसको चेक कराएंगे आपको। दोस्तों इस तरीके से इस लैपटॉप का अपग्रेडेशन हो गया है। अगर हम SSD की स्पीड दिखाएं और हार्ड ड्राइव की स्पीड दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं अभी जो हार्ड ड्राइव की स्पीड रही है वो 104 MB/s के आसपास जो दिखा रहा है रीड स्पीड, राइट में जो है 100 MBPS के आसपास दिखा रहा है। और वहीं पर अगर हम SSD की बात करें तो SSD में 562 के आसपास दिखा रहा है, और वहीं पर राइट की अगर बात करें तो 485 MBPS दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जस्ट 5 गुना स्पीड बढ़ा है रीड राइट का, तो वो परफॉर्मेंस तो देखने को मिलेगा। बाकी हमने चेक भी किया है। बाकी इस लैपटॉप पर बात करें परफॉर्मेंस की, तो हमने इस पर तो ऑलरेडी फिल्मोरा हमने चलाया हुआ है i3 4th generation पर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मैंने इसी पर 5 लाख तक सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं। तो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे, जो सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा, फोटोशॉप, सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमने कैमटेसिया पर चलाया है, कैमटेसिया पर एडिट किया है, और अदर जितने भी सारे जो वीडियोस रहे हैं वो सारे के सारे फिल्मोरा पर हमने एडिट किया है। प्रॉब्लम बस इतनी आती थी कि जब हम रेंडरिंग करते थे तो और कोई काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उतना कैपेबल ये प्रोसेसर नहीं होता है। लेकिन अब SSD लग गई है तो वो सारे काम बहुत ही अच्छे से इनहेंस होकर के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी स्पीड भी आप देख पा रहे होंगे, जो शटडाउन की स्पीड बहुत ही कम रही है, और बूट की स्पीड जो है सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी करीब करीब 10 सेकंड के आसपास रह रही है, 10 से 11 सेकंड, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले स्टार्ट होने में बहुत समय लगता था कि स्टार्ट करके छोड़ देंगे, बहुत देर बाद जो है स्टार्ट होकर के मिलेगा। तो अभी तो चूंकि बिल्कुल भी विंडोज भी न्यू है तो, लेकिन बहुत ही अच्छी स्पीड मिल रही है, और इस पर जो है हम अब दोबारा कुछ भी काम कर पाएंगे। ये रिजेक्टेड था लेकिन अब जो है हम इस पर काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार से आप किसी भी लैपटॉप को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।